सुरजीत कैमरी बीजेपी जिला महामंत्री भाईका रामदार का धन्यवाद करते हुए उन्होंने 1100 रुपए टीम के लिए फोन पे या गूगल पे के द्वारा भेज दिए हैं। हमारी कमेटी की तरफ से सूचना मिली है, हम सभा कहते हैं सुजीत भाई कैमरी कानून जो नहीं बुला पाए, नेक्स्ट जो भी प्रतियोगिता होगी हम उन्हें जरूर आमंत्रित करेंगे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। और अब जो उन्होंने ए टीम का हरिता ए टीम का मान सम्मान किया है 1100 रुपए, वो अमित लांबा के पास फोन पे या गूगल पे आ चुके हैं। हम बार बार युवा नेता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। शुरू में जो जून सी टीम लीड था कि ना वही जीत जाएगी। अस्त्र शस्त्र कड़ा धर रहा है, अस्त्र शस्त्र कड़ा धर रहा है। Thank you.
3-0 हो गए, 3 बालोट 0 सपला। मनीष मटोर ने बोल रहा बैठा नहीं आ जा स्कोर है 4-0, 4 बालोट 0 सपला। सर्विस आप लगे पास दर्शकों
दर्शकों को काफी उम्मीद के हिसाब से देखना वापसी कर पाते हैं कि मैच में ये जबरदस्त शॉट बहुत ही अच्छे नटिया रहे सब लागे जबरदस्त शॉट दोनों तरफ से काफी देर से बॉल हवा में देखना ये पॉइंट कौन सी टीम ले पाती है। बालौर के सेंटर बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है सापला को जीत रहे हैं तो साइड में बॉल खिलानी होगी काफी देर से बोल रहा हूँ देख रहे हैं पॉइंट कौन सी टीम ले पाती है। नरेंद्र नेहरा की फेवरेट टीम सापला और संदीप नागिल की बालोट काफी देर होगी इसलिए देखने पॉइंट का होता ही नहीं अभी अच्छा प्रयास है डेढ़ का एक एक पॉइंट की जीत हो जाए दोनों टीम के बीच अच्छा नटिए सापला का सेंटर बालौर के सेंटर जबरदस्त चंपले के शॉट खेलते हैं सापड़ा की तरफ से भी बिल्कुल नट को टच होके जा रहे हैं सारे शॉट टाइम आउट है एक मिनट के लिए टाइम आउट जीरो सर्विस बालौर छह सापला जीरो खाता खुलना भी बाकी है सापला का अभी नई प्लानिंग स्ट्रेटजी लेके देखना चेंज करवा पाते हैं कि नहीं सापला के खिलाड़ी बालोट वार्मअप थी पहले से ही बालोट के सेंटर जीरो छह सर्विस चेंज एक बार फिर सापला के पास मौका और दर्शक बता रहे हैं मौका ही नहीं अभी दो पॉइंट बन भी गए हैं बोला वार्म अप हो गई है सापला की टीम अभी गर्म हो गए खिलाड़ी सुरेश कौर दरिया बुला रहे हैं आपको वहां जाए आप
जिसकी उम्मीद थी वैसे ही सांपड़ा वापसी करती हुई मैच में अभी वार्म अप हो गए खिलाड़ी। बहुत ही अच्छे नटियर है सापड़ा के। अच्छा शॉट बहुत ही अच्छा धीरे से डालने का प्रयास किया सर। सेंटर को बॉल नहीं मिल रही अभी, बालोट के सेंटर के पास कम बॉल जा रही है अभी। नई प्लानिंग साफड़ा की, थर्ड में खिला रहे हैं, साइड में खिला रहे हैं बॉल। पांच नंबर दस्ते में सेंटर सांपड़ा के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। जिसे शॉट मारा
जबरदस्त मुकाबला दोनों टीम के बीच। स्कोर स्कोर बताएं, 3-6 सांपला की वापसी मैच में, बालोर थोड़े से जवाब में 6 पॉइंट और सर्विस के। अरिप्ताओं ने भी बहुत ही जबरदस्त मैच दिखाया था इससे पहले, 5-0 से स्कोर बालोर के खिलाफ। स्टार्टिंग में हरिप्ता 5 था, बालोर 0 था, लेकिन बाद में बालोर मैच जीतने में कामयाब रहा। सर्विस बालोर के पास, अच्छा प्रयासन राइट बॉल, आउट बॉल, ये बॉल आउट, सर्विस चेंज, पॉइंट बताएं, 3-7 सर्विस चेंज, 3-7 3-7। एक बार फिर सांपला के पास मौका है पॉइंट बनाने का, सर्विस सांपला के पास और एक पॉइंट और, 4-7 वापसी करते हैं सांपला, बालोर थोड़े से प्रेशर में, एक बार फिर से थर्ड में साइन, काफी देर से बोल रहा हूं मैं, काफी देर से एक पॉइंट के लिए जितने मैच जारी। और यहां सेंटर की एक और गलती और पॉइंट सांपला के पास, 5-7 वापसी सांपला की मैच में, बालोट 6-0 से आगे भी बालोट। अच्छा प्रयास से नडियर का, ये
सेंटर बंधु मेरे फाइन लेते हैं 200 रुपए 250 रुपए देने साफला के सेंटर बंधु मेरे फाइन लेते हैं 150 रुपए 200 रुपए बालो प्रेशर में साफला कंटिन्यू वापसी करते हैं मैच में पहला सेमीफाइनल स्कोर छह साफला बालोट सात बालोट ने काफी जल्दी किए हैं आउट बॉल भी मारी है साफला सेंटर को कम बाल खिला रहा है हरिता ने काफी कड़ी टक्कर दी थी बालोट को एक बार फिर से रेफरी की विसल का इंतजार बहुत दूर से आई टीम Thank you.
यौवन नंबर नहीं आएगा भाई कमेटी, उसका फोन आया हुआ है, वो बोल रहा है कि इतनी शर्मनाक आपके बाद मेरा मन नहीं है यहाँ आने का। आयो 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 आयो
सब ला रही है लगे चंदी मिनट में यौवन लंबा ग्राउंड में होगा, बोल दिया उसने कि मैं आ रहा हूं। किन मारी लाइव काट के देखो क्यों स्कोर सापला 9-7 इस मुंडे का दौर चल रहा चल रहा दौर देखा है दौर तारे चलो सो जा टीम के कप्तान रावत खेड़ा से सुरेश
बिश्नोई भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका दिल की गहराई से पूरे रोहतक ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सुरेश बिश्नोई भाई साहब आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे गांव में पहुंचने पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं और हमारे देश का आप हमारे देश की शूटिंग वॉलीबॉल टीम को लीड कर रहे हैं, आप उस टीम के कप्तान हैं। आपका हमारे गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं सभी खेल प्रेमियों को और जितने भी खिलाड़ी हैं, ये शूटिंग वॉलीबॉल में इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के लेके आए हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी देता हूं मैं पूरे रोहतक गांव की तरफ से भारतों की। आप ऐसे ही खेलते रहे, पूरा देश और पूरे देश की जनता आपके साथ है, आप देश का मान बढ़ाएं। आशीष बालोटिया मैदान में खड़ी
प्रमाद गेट कमेटी के पास पूछ रहे प्रमाद गेट स्क्वेयरिंग एरिया की साइड संदीप से मिले स्कोर 10-9-3 10 सापड़ा 9 बॉल आउट सर्विस कंटिन्यू हरी सा भाई
कमेंट करना रोक रहे हैं कि शेयर कमेंट करना रही थी सेमीफाइनल है भाइयों पहला सेमीफाइनल है स्कोर हो गया भाई मोनू 11-10 बालोट 10 सापला अंकित नहीं आ रहा भाई मनीष जी कोई नंबर वंबर चाहिए क्या मैंने रब तरवा होगा जीते तो रहा दूसरा सेमीफाइनल किस किस का है मिर्जापुर बालोट दनाना
और सांपरा मिर्जापुर और दनाना का है भाई दूसरा सेमी, दूसरा सेमीफाइनल देरिया देरिया यार उसका है मिर्जापुर का, देरिया और मिर्जापुर का भाई, देरिया और मिर्जापुर के बीच में होगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। दोनों ही टीमें वार्म अप करके तैयार रहे, सेकंड मैच में प्रैक्टिस कर लें जब तक, देरिया और मिर्जापुर। बारोट ने अच्छी वापसी की है लेकिन सफला की टीम भी काफी अच्छी। काफी देर से जद्दो जद्द एक पॉइंट के लिए बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट है। दूर दूर से 122 किलोमीटर दूर से सांपला और बालोट भी रोहतक के पास काफी दूर दूर से टीमें आई हैं। एक बार फिर सर्विस चेंज 11-11 सर्विस चेंज। शाबाश मनीष शाबाश 12-11 बालोट 12 सांपला 11 11-12 सर्विस चेंज कमेंट रुक गया अरे ला लिया थे मैं इंडिया टीम के कप्तान शूटिंग वॉलीबॉल के भाई सुरेश रावतखेड़ा से हरिता के इस खूबसूरत मैदान पे आए हैं। उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है वो। पक्का काम बंद हो गया। 12-12 सर्विस कंटिन्यू सर्विस आपके पास दोनों टीमें बराबरी पर 21 पॉइंट का मैच है। रेफरी के विचार के साथ एक बार फिर से मैच शुरू। बहुत ही सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं रेफरी अनिल कुलरिया। दर्शकों में जोश और रोमांच वॉलीबॉल का इस शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का डे नाइट मुकाबला।
दोनों की भी बराबरी पर कांटे की टक्कर, देखना है कौन सी टीम फाइनल में जगह बना पाती है। बहुत ही जबरदस्त सेंटर है बालोट के। ठीक है भाई मंजित, सापला ने काफी अच्छी वापसी की है 0-6 से पिछड़ने के बाद। पर दीप्ति के तन बजे सारी टीम थी पे ये जूस पे हुए थे। ये के लिए प्रदीप में तो 1000 रुपये कर रहा होगा। जैदी प्रदीप का जूस है, मनीष भैया के लिए कुछ नहीं। मनीष भैया ने कहा लाइजी जूस। जबरदस्त शूट लग रहे हैं दोनों तरफ से। सापड़ा के नडियर बहुत अच्छे हैं। जंप लेके अच्छा शॉट मारा था बालोट के सेंटर ने। एक बार फिर से अच्छा शॉट, सांपला का डिफेंस उतना ही अच्छा। बारह बारह दोनों टीमें बराबरी पर, एक एक पॉइंट के लिए टक्कर है। अच्छा मुकाबला, और सापड़ा की गलती, 12-12 सर्विस चेंज। शाबाश मनीष, शाबाश। एक बार फिर से मौका है बालोस के पास। बारह बारह सर्विस बालोट के पास। अच्छा शॉट मारा था, उतना अच्छा डिफेंस। नेट को टच होके आ रही है इस बॉल। देखिए भाई एक बार रेफरी की विसल के साथ मैच फिर से शुरू। दोनों टीमें नए प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ आई हैं। इस ब्रेक के बाद देखना है सापला बालोट के लीड को तोड़ पाता है कि नहीं। और एक और गलती सापला की तरफ से, 15-12 बालोट ठीक है। एक टीम ने काफी कई टक्कर दे दी। एक बार फिर से वापसी का प्रयास करते हुए सोलह बारह एक और गलती। 16-12 का स्कोर हो गया भाई, 16 बालोट 12 सापला। सर्विस चेंज करानी होगी सापला को यदि बालोट को हराना है तो। सेंटर को कम से कम बॉल देनी होगी, साइड और थर्ड में खिलाना होगा।
सेंटर जबरदस्त है बालोट के। कटिंग करके खिलाना होगा और सेंटर के लेफ्ट हैंड पे अटैक कर रहे हैं अभी ताफला। टीम है भाई एक बालोट और सापला सेमीफाइनल चला हुआ भाई। बालोट के सेंटर जीतते और ये एक गलती और मौका सापला के पास। 12-16 सर्विस चेंज जीतते से दूर रखनी होगी सापला को बॉल यदि मैच में वापसी करनी है तो। बालोट के सेंटर जीतते पटका पका दी बोलो ने बोल पट लिया भाई के ला मौका है सापला के पास पॉइंट लेने का। बैठो गए कटिंग करके खिला रहे हैं सेंटर के लेफ्ट साइड में खिला रहे हैं और दूसरी टीम है भाई दूसरा शमी भाई मिर्जापुर और दूसरी टीम कौन सी है भाई बेरिया यही की टीम है भाई सारे डिस्ट्रिक्ट की दोनों टीम मिर्जापुर और बेरिया। ड्रोन शॉट देखने के लिए बहुत कम मिल रहा है सापला की तरफ से दर्शकों को। पावर बैंक फिनिश जीतते हैं तो महेंद्र नागेल उर्फ मोटिया 500 रुपए इनाम के तौर पे देंगे सापला की टीम को। ऊपर से जय पावर बैंक ने चार्ज लाया खत्म हो गया क्या परसेंट 40 कड़ा लाख हो गया ये भाई तो पूछ लेना पावर बैंक लगाना थोड़ी देर चार्ज बहुत अच्छे नडियर सापला का और सेंटर का जबरदस्त प्रहार जैसे कि पॉइंट होगा मैच है भाई सेमीफाइनल मैच है मनु कुमार भाई सेंटर बालोट के पहला सेमीफाइनल है ये दूसरा सेमी है भाई यही की टीम एक तो मिर्जापुर की है और एक दनिठा सेंटर से बचने वाला बालोट के सापला ने वापसी कर ली है तो 17-13 एक बार फिर से बालोट आगे सापला पीछे वापसी कर रही होगी ब्रेक खिलाड़ी स्ट्रेटजी नई प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे सेंटर से बाल में बॉल रखा जाए कैसे खिलाया जाए छोटे बाल खिलाएं लंबे खिलाएं कट करें। सापला की भी अच्छी टीम है जंप लेके हावी होने का प्रयास करते हैं सेंटर अठारह 13 और यदि सापला हारते हैं तो भी सुरेंद्र नागेल उर्फ मोटिया 500 रुपए का इनाम देंगे उनके कप्तान को। टाइम आउट लिया है इक्कीस पॉइंटों का मैच है 18-13 का स्कोर होगा भाई 18 बालोट 13 सापला। रेफरी अनिल कुलरिया मिशन के साथ एक बार फिर से मैच स्टार्ट होता हुआ
सर्विस चेंज कराएंगे उस हमला को, देखने क्या बात है, दर्शकों की उम्मीदें कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, तापला भी वापसी करेगा। हाँ उस्ताद जी, जयराम जी की। शॉट मारने का प्रयास तो जीतेगा, लेकिन बॉल लट में अठारह तेरह का स्कोर है भाई साहब। देवेंद्र जी 18 है बालोट के और 13 सफला की टीम की। बालोट की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया भाई, बहुत अच्छा शॉट। राइट बॉल 13-18 सर्विस चेंज, एक बार फिर से सफला के पास मौका मैच वापसी करने का। थर्ड में ये जो अच्छा पॉइंट लिया था, थर्ड और साइड में छोटे ड्रॉप खिलाने होंगे, नेट को टच करके बॉल को पार करना होगा, दिशा बदल वापसी करनी है भाई साहब। थर्ड में पॉइंट लिया, अच्छा पॉइंट। नंबर बने आगे प्रदीप भाई साहब, रुकता ये भी काट, नंबर बनाया है 13-18 हुए है, 13-18 सर्विस चेंज। सफला की टीम जीतती है तो सुरेंद्र नागिल मोटिया 1100 रुपए का इनाम देंगे उनको। अच्छा है ये सब लगा, अच्छा डिफेंस, जल्दी कर बैठे बालोट के खिलाड़ी, सेंटर आउट बॉल मार बैठे। 14-18 कई बॉल आउट मारी है बालोट ने, लंबा चलता हुआ मैच, अच्छा अच्छा प्रयास दोनों टीमों की तरफ से। एक बार फिर से थर्ड में खिलाने का प्रयास सापड़ा की तरफ से, जंप लेके शॉट मारने का प्रयास लाल टीचर से खिलाड़ी, सफला के खिलाड़ी जो भी जोश में है,
भाई साहब अभी लीड लेने की कोशिश करेंगे, दो पॉइंट लिए सावधान है अभी। चलाओ चलाओ, एक पॉइंट लिए, एक सर्विस चेंज कराया था। बहुत उत्सव ठीक है भाई प्रीतम तू सुना दे। रेफरी बात कर रहे चेक कर रहे हैं, दोनों टीमें खिलाड़ी से लोग देखिए अपने ग्राउंड में आ जाए। तो भाई यही तो है जो आपके सामने खेल रहे हैं, खिलाड़ी ग्राउंड में रहे डिसीजन मिल जाएगा आपको। पीछे करवा दे संदीप ने गग्गू करवा दिया रोला भाई, देख लो भाई मैनेजमेंट निपटाओगी रोले ना, मैं रमता सकता ना। जवान की वीडियो रुक गई, वीडियो तो नहीं रुकनी चाहिए भाई। तलवार मैं क्या तिलूंगा भाई। ओके भाई साहब ओके ठीक चल रहा है। चलो मैं खिलाड़ियों से अनुरोध है कि दोबारा से ग्राउंड पहुंच जाए, आराम से खेले अभी बहुत बाकी। कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट, दोनों टीमों की तरफ से ऑब्जेक्शन था और जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं सुरेश भाई उन्होंने भी रोला बदन लाग रहा बालोट की टीम अभी चार अंकों से आगे है बालोट। मैं एक बार सुरेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा,
भाई रोला ये हो गया बैग में भाई जिसके लिए रखना था देख रहे बताड़ ना है भाई भाई बात यह होगी गंजे ने बोल उठाई जी नेटमैन ने और बाहर एक अंकल जी बैठे थे ग्राउंड से बाहर उन्होंने उनके बचाओ में बॉल पकड़ ली गई भाई जो भी कुछ है सातरा टीम का ऑब्जेक्शन है कि वह बॉल पकड़ी क्यों हम पहुँचाते इस बॉल को ये पंगा है भाई सारा रेफरी ने भाई कॉमन दे दी बोल तो भी बालूट की टीम नहीं मान रही है देख रहा टूर्नामेंट चल रहा भाई इशार अरिता गांव में आ गया भाई घंटी जा घंटी जा भाई ऐसा नहीं जा गलत आउट का पॉइंट दोनों टीमों के कप्तान आ जाएंगे दोनों टीमों के कप्तान आ जाएंगे एक बार दो कमेटी सदस्य आप एक बार मैदान में और उस साइड से बिंदु भाई बिंदु मैदान में आए और मैं सुरेश बिश्नोई भाई से भी आग्रह करूंगा एक बार आप आए दो कमेटी मेंबर दो कमेटी नहीं आया भाई दो दिन का टूर्नामेंट था ये जीता भाई साहब एक मिनट आओ आप इनका शुरू तक करा दो 21 पॉइंट का जब मान जाएंगे फ्री ने डिसीजन दे दिया कॉमन बॉल का बालोट की टीम मना कर रही है कॉमन क्यों दी ये पंगा चला हुआ भाई मेरे को लगता है मेरे को बंद कर देना चाहिए भाई
मैच चलेगा जब भाइयों के साथ दोबारा से जुड़ेंगे, क्योंकि बैटरी भी भाई कम है फोन में, पूरे दिन का चल गया भाई आज प्रोग्राम अपना। भाई मैं कौन उभार करनी है मित्र मोहित, भाई पावर बैंक भी खत्म हो गया दोस्त जो लेके आए थे, चार्ज कर लो भाई इतना ठीक है, तो रोड़ा निमटे इतने फिर चला देंगे भाई। भाई लाइव तो बंद करना पड़ेगा दोस्त तभी तो, क्योंकि भाई दो मैच बचेंगे अपने पास इसके बाद, तो दोनों मैच लाइव होंगे नहीं भाई, क्योंकि भाई 30% बैटरी है फोन में अभी। सोमीर भाई आपकी बात तो ठीक है भाई, फिर मैच तो नहीं होंगे क्योंकि भाई अभी इसमें 10-15 मिनट और लगेंगे शायद, तो इस चक्कर पावर बैंक लिया था मोहित भाई, दो दिन का टूर्नामेंट था यो, 30,000 mAh का पावर बैंक था भाई, 20 का 1, 10 का 1 दोनों वे खत्म हो गए, फोन में बैटरी 30% रह रही भाई, क्योंकि सुबह 11 बजे लाइव चलाया था भाई, अभी तक कंटिन्यू लाइव चल रहा है, 12 घंटे हो गए भाई। भाई वो लैंड देने सापला का भाई, सापला का भाई वो कुमन वाला रोड़ा चल रहा भाई, 14 सापला के 18 बाल उठ के, अभी देखते हैं क्या होगा भाई, मैनेजमेंट जल्दी फैसला लेने वाली है भाई। भाई पावर बैंक पॉइंट भाई मोहित 14-18 भाई, 14 सापला के बाल उठ के 18 भाई, पावर बैंक चार्ज कर लो भाई, लगा तो रखा पावर बैंक चार्ज अभी लगाया जस्ट 5-7 मिनट पहले ही। आधे घंटे रेस्ट दबा देना, अब लेकिन आटा भाई बंद करो, अटके किसको ठीक से भाई, कमेटी ने बोल दिया कि भाई बंद कर लो, तो इसलिए बंद कर रहे हैं भाई। कलिया कमन दुआ दिया यार, बाल है